दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, कोई भी कस्टमर आपकी दुकान पे आता है, बोलता है ये हमारा हमारे मोबाइल में एक इमेज है, एक फ़ोटो, इसको आप प्रिंट कर दीजिए, इसको आप निकाल दीजिए, या आपको कोई मेल, कोई आपको व्हाट्सएप करता है और बोलता है कि ये इमेज को आप प्रिंट कर दीजिए, इस इमेज को आप निकाल दीजिए। तो इस स्थिति में करते क्या है, वो इमेज जो होता है वो व्हाट्सएप पे भेजा हुआ इमेज होता है, कोई दिल्ली से कोई बाहर से उनकी व्हाट्सएप पे भेजता है, वो आपके व्हाट्सएप पे भेज देता है और बोलता है आप इसको प्रिंट कर दीजिए, या उसको व्हाट्सएप पे आता है तो वो बोलता है इसको प्रिंट कर दीजिए। जब आप प्रिंट करने के लिए उसको फोटोशॉप में ओपन करते हो, एक अच्छी सी परफेक्ट साइज में, अच्छी सी क्वालिटी में अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो आप फोटोशॉप को ओपन करेंगे, जहाँ आप अच्छी तरह से क्रॉप कर सकते हैं, अच्छी तरह से क्वालिटी वहाँ पे दे सकते हैं, लाइट दे सकते हैं, साइज दे सकते हैं। अच्छी प्रिंट करने के लिए आपको फोटोशॉप तो ओपन करना ही होगा, लेकिन फोटोशॉप ओपन करते ही हो जाता है प्रॉब्लम कि फोटोशॉप की व्हाट्सएप इमेज आपके फोटोशॉप में ओपन नहीं हो रहा है। तो कैसे होगा व्हाट्सएप फोटो आपके फोटोशॉप में ओपन, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में कुछ नया सीखते हैं। हाय गाइज, मैं हूँ जीशान आरिफ और आप देख रहे हैं अपने इस यूट्यूब चैनल जीशान मॉनिटर। दोस्तों अगर आप अभी तक आपने हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैं वहाँ भी आपकी यूजफुल की जानकारी पोस्ट करते रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए सबसे पहले करते हैं व्हाट्सएप को ओपन। यहाँ भी व्हाट्सएप ओपन कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए व्हाट्सएप पे हमें एक इमेज है, एक थंबनेल है जो भेजा गया हमें व्हाट्सएप पे। ठीक है, ये थंबनेल, इस थंबनेल को हम डाउनलोड कर लेते हैं। अभी इस थंबनेल को हम, ये हमारा थंबनेल है, इसको अब हम करने वाले हैं फोटोशॉप में ओपन। जी हाँ, तो ये थंबनेल है हमारा, इस थंबनेल को अब हम फोटोशॉप में ओपन करेंगे। तो यहाँ ओपन पे जाएंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे एडोब फोटोशॉप। तो चलिए मैं एडोब फोटोशॉप सेलेक्ट कर चुका हूँ। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों हमारे सिस्टम पे जो दो इमेज है, दोनों इमेज जो है व्हाट्सएप पे भेजेगी। यहाँ पे देख सकते हो इमेज का नाम भी लिखा हुआ, व्हाट्सएप इमेज, व्हाट्सएप इमेज। ठीक है, ये इमेज है, मैं ये वाला ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये व्हाट्सएप पे हमें भेजा गया, यहाँ पे देख लीजिए आप, ये देख लीजिए व्हाट्सएप पे हमें भेजा गया है, इसको मैंने डाउनलोड किया। अब इसको हम ओपन करेंगे फोटोशॉप में। तो चलिए जैसे इसको फोटोशॉप में ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का एरर आता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए, इस तरह का एरर आपको भी आ रहा होगा। तो ये क्या हो रहा है कि ये फोटोशॉप में ओपन नहीं हो रहा है। तो चलिए इसे ओके पे क्लिक कर देंगे। तो अब करना क्या है, कैसे ही ओपन होगा, यहाँ पे दो तरीके हम आपको बताने वाले हैं, दो विधि से आपको हम बताने वाले हैं कि व्हाट्सएप इमेज को फोटोशॉप में किस तरह ओपन करेंगे। सबसे पहला तरीका है जो सिंपल तरीका है, इस पर क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट करेंगे और राइट साइड क्लिक करके यहाँ पे रीनेम, इस जो इमेज है, इमेज का जो नाम है इसको हम चेंज कर देंगे। जो भी नाम रखना चाहते हैं आप रख लीजिए, इमेज का नाम चेंज कर लेंगे। इमेज का नाम चेंज होने के बाद इसको आप फोटोशॉप में ओपन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये भी ओपन नहीं हुआ, लेकिन कोई कोई किसी किसी का इमेज जो है इस तरह नाम चेंज करने पे ओपन हो जाता है। ठीक है, कोई इमेज तो बिना नाम चेंज किए ही ओपन हो जाता है, कोई इमेज में आपको नाम चेंज करना होगा तब वो ओपन होगा। अगर आपका इमेज नाम चेंज करने के बाद भी ओपन नहीं हो रहा है तो आप एक दूसरे तरीके से आप ओपन कर पाएंगे। तो चलिए उस, ये इमेज है, ये हमारा इमेज को हम ओपन कर लिए। उसके बाद यहाँ ओपन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको पेंट का एक ऑप्शन मिलता है, पेंट पे आपको क्लिक करेंगे। तो जैसे पेंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए ये इमेज जो है पेंट में ओपन हो गया है। अब इसमें कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेव अस पे क्लिक करना होगा और इसका एक नाम दे देना है, इस फाइल का एक नाम दे देना है। तो यहाँ पे फाइल का नाम हम दे दिए, उसको एरिया सेलेक्ट कर लेंगे कहाँ पे हमको सेव करना, उसको इसको हम सेव कर लिए। तो देखिए मैंने जो अभी सेव किया, ये वाला जीशान मॉनिटर नाम से अभी मैंने सेव किया था। तो इसको अब ओपन करेंगे फोटोशॉप में, उसके लिए ओपन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फोटोशॉप को सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए किस
सिंपल तरीका से ये फोटोशॉप में ओपन हो चुका है। अब हमको फोटोशॉप में जो भी करना है, उसका साइज लेना हो या क्रॉप करना हो, हम इसको आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हो इस तरह। तो इतनी छोटी सी सिंपल विधि में आप सीख पाए हैं आज कि व्हाट्सएप इमेज को किस तरह फोटोशॉप में ओपन करते हैं। पहला विधि तो नाम चेंज करेंगे वहाँ से, उसके बाद ओपन करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन कई ऐसे भी फोटो होते हैं जो नाम चेंज करने के बाद भी नहीं होता है। उसके लिए मैंने आपको जैसा कि बताया, आपको इमेज को पेंट में खोलना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, उसके बाद आपको सेव अस पे क्लिक करके सेव कर लेना होगा। उसके बाद आप बड़ी ही आसानी से फोटो को फोटोशॉप में ओपन कर सकते हो। यही था एक छोटा सा सिंपल सा विधि आज की इस वीडियो में। दोस्तों उम्मीद करेंगे वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और एक बात और मैं आपको वीडियो को अंत में बता दूँ, आप हमारे चैनल के वीडियो में जाकर देख सकते हैं। मैंने आपकी ज़रूरत के, आपके काम के बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, 200 के प्लस वीडियो मैंने बनाया आपके लिए। तो आप उस वीडियो को भी जाकर देखें, आपके काम की बहुत सारी वहाँ पे वीडियो पहले से मैंने आपको बना के दे दिया। दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ।